खबर वाराणसी से है। यूपी कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव 19 दिसंबर को होना है, जिसको लेकर आज छात्र संघ के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया। आज 11 बजे से शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया 3 बजे तक समाप्त हो गई। इसमें अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, पुस्तकालय मंत्री सहित कुल 35 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे। नामांकन शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, इसको लेकर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी। विद्यालय परिसर में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई, ताकि किसी तरह का उपद्रव और बवाल न होने पाए व नामांकन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो जाए। वही क्षेत्राधिकारी कैंट मोहम्मद मुस्ताक का कहना है, यूपी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के नामांकन को देखते हुए भारी फोर्स तैनात किया गया है और नामांकन करने जाने वाले उम्मीदवार के साथ सिर्फ 3 या 4 लोगों को नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन करने जाने के दौरान किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, इस तरह पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। नामांकन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त होगा और हमारी कोशिश है कि चुनाव भी हम शांतिपूर्ण तरीके से करा सके, इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं महामंत्री पद के उम्मीदवार अमन सिंह का कहना है कि यदि मैं विजेता होता हूं तो सबसे पहले कॉलेज में एक पुलिस चौकी खुलवाने की अपील करूंगा, ताकि कॉलेज परिसर में आए दिन जो बवाल मारपीट होता है उस पर पूरी तरह से रोक लग सके और जो भी छात्राएं स्कूल में पढ़ने के लिए आती हैं कुछ उपद्रवी युवाओं द्वारा उन पर पवतिया कसनी जैसी घटनाएँ सामने आती हैं, पुलिस चौकी हो जाने से यह सारे मामले पर रोक लग सकेगी। इसी के साथ ही और जो भी विद्यालय में कमियां होंगी उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। वाराणसी से हमारे संवाददाता कुलदीप कपूर की रिपोर्ट। यूपी कॉलेज का नामांकन होने जा रहा है, क्या कुछ व्यवस्था देखिए, इसके लिए हमने अलग अलग पॉइंट पे ड्यूटी लगा रखी है, कई जगह पे बैरिकेडिंग कर रखा है और ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों से बात हो गई है, स्कूल प्रशासन से, यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात हो गई है और ये लोग सब लोगों के सहयोग से नामांकन प्रक्रिया जो है अच्छे तरीके से हम इसको संपादित कर पाएंगे और यहाँ पे जो भी बच्चे हैं कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, इस पे भी सब लोग सहमत हैं। गेट के अंदर हम 1+2 को ही जाने देंगे और ये ऑलरेडी हमने पहले ही इनको बता रखा है, तो सबके सहयोग से अच्छे तरीके से नामांकन प्रक्रिया जो है उसको आज हम संपादित कर पाएंगे। देखिए 11 बजे से लेकर के 3 बजे का इनको टाइम दिया गया है, ऑलरेडी कई जो भी उम्मीदवार हैं जा चुके गए हुए हैं और नामांकन प्रक्रिया जो है चल रही है। सर, यूपी कॉलेज पहले भी लड़ाई झगड़ा हो चुका है नामांकन या चुनाव को लेकर, इस बार क्या कुछ व्यवस्था आप लोग करें ताकि ये? देखिए ऑलरेडी हमारे जो सिटी की जो फोर्स है अधिकतर फोर्स हमने लगा रखा है, कई CO's लगे हुए हैं, कई इंस्पेक्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं और कोई ऐसा नहीं है कि जो पहले का कोई भी बात थी तो इस बार बच्चों के सहयोग से इस तरीके की कोई भी बात जो है इस बार देखने को नहीं मिलेगी जहां तक मुझे उम्मीद है और सबके सहयोग से अच्छे तरीके से हम नामांकन प्रक्रिया और मतदान भी अच्छे तरीके से हम करा पाएंगे।